हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का अपनी गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी अप एंड डाउन दोनों तरफ का मूव कर चुका है, बायर और सेलर दोनों का पैसा दे चुका है। अभी मार्केट एक दो दिन साइडवेज में ही ट्रेड करेगा, इसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है, अप या डाउन। मार्केट इस पॉइंट को सपोर्ट बनाएगा, जो ब्रेकआउट लेवल था उसको सपोर्ट बनाएगा, फिर इसको भी ब्रेक डाउन करेगा, ये पहले मार्केट पॉज लेगा, इसके बाद ही यहाँ पर डिसाइड कर पाएगा। अभी हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 45,150 का लेवल, 100 से 150 का लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। और डाउन साइड में यहाँ पर 44,350 का लेवल, 300 से लेकर के 350 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट हो गया। अभी मार्केट इसी रेंज में अप एंड डाउन करते रहेगा। अभी यहाँ पर मार्केट वन डे का यहाँ पर पॉज कैंडल बना चुका है, फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही आज का जो डे लो बनाया, इस डे लो का ब्रेक डाउन करेगा तो कल एक सेलिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिलेगी। और टारगेट जो होना चाहिए 44,550 से लेकर के 600 का टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ पर 350 पॉइंट का रेंज मिल रही है। अगर इसको अपसाइड जाना है तो फिर कल इसको गैप अप ओपनिंग होना पड़ेगा, आज का जो डे हाई है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होना पड़ेगा और 45,150 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा उछाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45,500 तक का टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होकर के अपसाइड में रिवर्स किया और 45,150 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया 15 मिनट का, तो फिर यहाँ पर अपर साइड का एक ट्रेड हम लोग को मिल सकती है 500 के लेवल तक, 500 तक हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे। मार्केट के लिए ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ओपन कहाँ पे हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ए लेवल रेजिस्टेंस एरिया है, 45,100 से लेकर के 150 का ए लेवल रेजिस्टेंस एरिया है कम्प्लीटली। इसको ब्रेक करेगा तो ही यहाँ पर बाइंग में जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो ही यहाँ पर एक सेलिंग होने का चांस है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन कर चुका है, बट जो आज का डे लो है वो इम्पोर्टेंट है। इस डे लो के नीचे कल इसको एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, यहाँ पर 44,775 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा तो फिर ये सेल में जा सकती। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 44,600 और सेकंड टारगेट 44,500 से लेकर के 400 का ये टारगेट होगा, तो इसके नीचे 500 तक साइकोलॉजी लेवल तक हमारा टारगेट होगा, तो यहाँ पर लगभग 275 पॉइंट 300 पॉइंट का स्पेस है, इजिली मूव कर जाएगा। बट आज का जो डेलो है उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को अपर साइड में मोमेंटम करना है तो फिर कल है गैप अप ओपनिंग हो जाएगी और 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगी। 45,000 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया तो ये फर्स्ट साइन होगा कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड में शिफ्ट हो सकती है, अपसाइड में मूव कर सकती है। बट इसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए और कन्फर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर 45,150 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से प्राइस पैटर्न बननी चाहिए, 45,150 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। फर्स्ट यहां पर साइन मिलेगी 45,000 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो साइन मिलेगी मार्केट अपसाइड में शिफ्ट होगी, तो यहां पर हमें सेल के लिए प्लान नहीं करनी है, जब भी करनी है बाइंग के लिए प्लान करनी है। तो यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बननी चाहिए, फिर 150 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, 45,500 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे तो इजिली यहां पर 400 पॉइंट, लगभग 350 पॉइंट है स्पेस, इजिली मूव कर जाएगा। हम लोग यहाँ पर 150-200 पॉइंट इजिली कैप्चर कर पाएंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। जितने लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है जाकर के देखें, वहां पर आपको वीकली और मंथली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली आपको बताया गया है, वहां पर समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करने के लिए हमें थोड़ा सा वीकली और मंथली का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ता है ताकि कहां पता चले कि हम कहां पे एक सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, कहां से बायर्स की एक्टिविटी स्ट्रांग हो सकती है, कहां से सेलर की एक्टिविटी स्ट्रांग हो सकती है। ये पॉइंट हम लोग को मंथली और वीकली चार्ट फ्रेम पर ही पता चलती है। इंट्राडे में छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसे हम लोग छोटा छोटा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, बट लंबे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए, इस तरीके के पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए यहां पर मैं बार बार बोल रही थी मार्केट सपोर्ट
सपोर्ट एरिया पर, सपोर्ट एरिया पर कहीं से भी उछाल ले सकती है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट 1000 से 1200 पॉइंट का ड्रॉ डाउन हो चुकी है। तो एक उछाल हमें देखने के लिए मिलेगा, एक जबरदस्त का उछाल देखने के लिए मिला। तो ये मंथली चार्ट फ्रेम पर ही आपको दिखेगा कि कहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट जोन होने वाला है, कहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया होने वाली है। सो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए भी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। निफ्टी डेली कैंडल में देखें तो आज बहुत अच्छा मूव किया है, क्योंकि कल यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में जब बैंक निफ्टी रिकवर करी थी तो निफ्टी में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं आई, बट आज इसने बहुत अच्छा मूव किया। यहाँ पर 19530 से लेकर के जो हाई लगा है 19620 का हाई लगा है, तो 90 पॉइंट का इसने आज मोमेंटम किया, बहुत अच्छा मूव किया। कल हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा उछाल ले चुकी है तो यहाँ पर कल थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो सकती है, या फिर और थोड़ा सा अपर साइड में मूव कर सकता है। ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये जो यहाँ से गैप क्रिएट किया था, गैप फिलिंग के लिए जा सकती, 19,740 का टारगेट है। तो एक अच्छा स्पेस दिख रही है, लगभग यहाँ पर 90 पॉइंट 100 पॉइंट का स्पेस दिख रही है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कहाँ पे मार्केट ओपन होगी, तो हमें ट्रेड और प्लान क्या करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी या मार्केट का स्टॉक का वही हो, इंडेक्स का भी हो, किसी का भी ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे ओपन हो रही है। यहाँ पर देखेंगे मार्केट, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, स्पेस नहीं था, इसके बाद बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग के बाद 15 मिनट का रेड कैंडल बनाता, हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान करते। यहाँ पर स्पेस नहीं है क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इस पॉइंट पर सेल करना हमारे लिए हाई रिस्क था। डे हाई के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज किया और इस लो का इसका भी क्रॉस नहीं कर पाया, इस लो को मेंटेन किया, अभी इसके ऊपर कंप्लीटली अपसाइड में ही शिफ्ट होते रहा, तो नो डाउट यहाँ पर इजिली 40-50 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, कल फ्लैट ओपन होगा, डे हाई के ऊपर इसके ऊपर 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करके हम लोग यहां पर बाइंग करेंगे। हाई है यहां पर 19625 का हाई है, 625 के ऊपर 5 मिनट भी ग्रीन कैंडल क्लोज करके हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहां पर 19665 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट 19740 का होना चाहिए। तो एक अच्छा स्पेस है, इजीली मूव कर जाएगा। यहां पर 19665 का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रही है, तो यहां से मे बी थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो, फिर इसके बाद इस तरीके से उछाल ले सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो गए, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, मे भी यहाँ से थोड़ा सा डिप करेक्शन आ जाए, इस तरीके से करेक्शन आ जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पर ट्रेल करेंगे, ताकि ये जब डाउन साइड में मूव भी कर जाए तो हम लोग को SL ना जा पाए, लॉस ना हो पाए, या कुछ पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर पाए। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोर्ट एट 19,680-700 के आसपास में ओपन हो जाती है, तो यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसके लिए हमें फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल देखनी है, फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल मिले फिर इसके लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे और स्टॉप लॉस हमारे रेंज में होना चाहिए। निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में हमें 35-40 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस देनी है, तो 35-40 पॉइंट का ही कैंडल बननी चाहिए। अगर बड़ी कैंडल बनाती है तो फिर हमें पॉज कैंडल के लिए वेट करना है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 19,680-700 के आसपास में, तो फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करना है। अगर एक गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं, एक कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। इसके लिए डे लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज कर जाती है, आज का जो डे लो है 19,520 का जो लो है, इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज कर जाती है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो फिर एक कंप्लीटली डाउन साइड में मूव कर जाएगा। फर्स्ट टारगेट 19,450 का, सेकंड टारगेट 19,375 का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस है डाउन साइड में, लेकिन इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो ही ये फिर SL में जा सकती है, या फिर मार्केट कल साइडवेज हो सकती है, इसी रेंज में अप एंड डाउन करते रहेगा, कोई बड़ी मूव नहीं होगी। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं हुआ, अप एंड डाउन करते रहा एक ही रेंज में, लगभग यहाँ पर 150-200 पॉइंट का है, वो 45,000 का रेजिस्टेंस बनाया, 800 का सपोर्ट बनाया, 200 पॉइंट के रेंज में ये पूरा अप एंड डाउन करते रहा। सेम यहाँ पर कल निफ्टी में हो सकती है, 40-50 पॉइंट का रेंज बनाएगा और उसी के रेंज में ट्रेड करते रहेगा। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। चलिए भी हम लोग कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं, उससे पहले कल यहाँ पर फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग इसे भी देखेंगे कि जीरो टू हीरो ट्रेड हमें कहाँ पे प्लान करनी है। जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करने के लिए अभी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड करिए, तो मे बी यहाँ पर अपर साइड का लेवल ब्रेकआउट कर सकते, तो इसका जो रेजिस्टेंस है कंप्लीटली 50-60 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, अपर का यहाँ पर जो
रेंज है 20,130 का, और यहाँ पर जो है 20,070 का लेवल है। तो 160 पॉइंट का कम्प्लीटली वोलेटिलिटी एरिया होने वाला है। तो जब तक ये 20,130 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट ना दे दे, तब तक हमें जीरो टू हीरो ट्रेड नहीं प्लान करनी है। बट अगर ये डाउन साइड में मूव करती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, जैसे ही डे लो का, आज का जो डे लो बना है इसके नीचे ब्रेकडाउन देती है, क्योंकि 20,000 का साइकोलॉजी लेवल है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकती है। मे बी 19,850 700 का भी लेवल, 800 का भी लेवल यहाँ पर रिटेस्ट करने आ जाए। बट अगर इसका ब्रेकआउट होती है तो अपर साइड में भी एक अच्छा हम लोग को मोमेंटम मिल सकती है, 60-70 पॉइंट का फ्लो में मूव कर जाएगा। तो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद डे लो का ब्रेकडाउन करती है, इसके नीचे ब्रेकडाउन कर देती है, 19,975 का ब्रेकडाउन करती है, तो फिर हम लोग 19,950 का पुट बाइंग करेंगे और टारगेट हम लोग का 19,850 तक होना चाहिए। तो एक अच्छा स्पेस है, इजिली मूव कर जाएगा। बट इसके लिए फ्लैट इसी रेंज में ओपनिंग होनी चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना चाहिए। अगर एक गैप डाउन ओपन होती है तो फिर पुट में ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन एरिया में चला जाएगा। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है फिर 130 का यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट देती है, तो फिर अपर साइड का ट्रेड बन सकती है। आई होप सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए कल के लिए स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है कंकर। कंकर में यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, रेंज का भी ब्रेकआउट होने वाला है। जब ये ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। देख सकते हैं इसका एक कम्प्लीटली रेंज बना हुआ है, इसके ऊपर एक बार ब्रेक किया, फिर से ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर अगेन ये ब्रेक करा, इसके ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन करा, दैट मीन्स एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है। 701 के ऊपर हमें बाइंग करनी है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में बहुत ही फ्रेश पैटर्न बना करके यहाँ पर ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया था, लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया था, फिर ये डाउन साइड में मूव कर रहे थे, बट ये मोमेंटम सपोर्ट के पास में आकर के स्लो हो गई है। मे बी यहाँ से थोड़ा सा और उछाल ले सकता है और अगेन इस ब्रेकडाउन लेवल को रिटेस्ट करने जा सकता है। तो कल हम लोग इसे बाइंग कर सकते हैं, 842 के ऊपर बाइंग करेंगे, 4 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। बहुत ही जबरदस्त का मोमेंटम इसमें, पोजिशनल ट्रेड मेरा है इसमें बहुत अच्छा मूव दे रही है और बहुत शानदार रिटर्न दिया है। अभी कल हम लोग इसे इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकती है। कल फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग इसे डे हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, 1366 को क्रॉस करते ही बाइंग करेंगे, 6 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। यहाँ पर थोड़ा सा लोअर लो पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिख रही है, कल अगर ये फ्लैट ओपन होती है, आज का जो डे लो बना है उसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन करती है 905 के नीचे, तो कम्प्लीटली एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकती है। ट्राई करेगा इस रेंज के नीचे क्लोज देने के लिए, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद 905 के नीचे सेल करेंगे, 4 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट 182 प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।